क्या हो गया? नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। गाइज, आज का क्लाइमेट आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन है, और इस क्लाइमेट में हम लोग जो है मैच खेलने के लिए आए हैं, और हमारा जो है पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई नई जर्सी के साथ में। बहुत ही बढ़िया, ये देखो क्या स्माइल देते हुए छोकरा। अभी आज हाई नहीं बोले इन्होंने, बोलेंगे लेकिन जरूर बोलेंगे हाई। बोलिए हेलो गाइस। और वहाँ पे बैठे हैं हमारे दो स्टार तौफीक और कचकुल, और इस साइड पे जो बैठे हैं हमारे अगले स्टार अभी अभी जरा चेहरा दिखा दे, गोरा भी दिख रहा, तो वेरी गुड। वहाँ पे नौशाद भाई बैठे हुए, मुजीद भाई बैठे हुए, और हमारे बैट्समैन वहाँ पे बैटिंग करते हुए देख सकते हैं। इतनी ग्रीनरी में जो है हमारी टीम मैच खेल रही है। पहला मैच जो हमने खेल चुका है वो हम लोग जीत चुके हैं, ये हमारा सेकेंड मैच हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसा हम लोग कोई बाहर कंट्री में जो है बढ़िया सा पिच पे लॉर्ड्स में खेल रहे हम लोग। वाह क्या बात है। मेरे दो राम लखन नहीं, सीता गीता, सीता। बता गीता का चेहरा दिखा, गीता चेहरा छुपा के बैठी नहीं, ये सीता, ये सीता, ये सीता, गीता दिखा, गीता, गीता। ये जो है बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रही है। अमान और तोहन जो है बहुत ही फॉर्म में है, गुड फॉर्म में है। वो लोग जो है अभी 5 ओवर में 62 स्कोर कर चुके हैं। अभी हमारे अगले बैट्समैन जो रेडी होकर बैठे हैं यहाँ पे, मनदीप साहब, वो चाहते हैं कि टीम का स्कोर जो है 100 के ऊपर हो जाए। 150 बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दे। 10 ओवर का मैच है, यहाँ पे मनदीप साहब क्लेम कर रहे हैं कि मैं 150 तक के लेके जाऊँगा टीम को। देखते हैं कहाँ तक की हमारी टीम करती है। पहला मैच भी बढ़िया था, बहुत अच्छा खेले। 7 ओवर का मैच था, 7 ओवर में जो है हमने जो 75 स्कोर किया था, और वो हम लोग मैच जीत चुके हैं। और ये सेकेंड मैच है हमारा। अमान वेल पेड, गुड बैटिंग। अमान ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है, और नौफर भाई जो है हमारे नाश्ते का बंदोबस्त कर चुके हैं। उन्होंने नाश्ता लेके आ रहे हैं हमारी टीम के लिए। तो पहला सैंडविच मिलेगा ऐसा, जो पहले आएगा उसको सैंडविच। गुड प्ले। बैक टू बैक 3 सिक्स मार के लास्ट ओवर के लास्ट 3 बॉल पे अरुण ने जो कि अभी 135 का टारगेट खड़ा किया टीम ने सामने वाली टीम को 10 ओवर में। ग्रुप सी मैच 1, चेयर्स वर्सेस मुंबई 11, एंड सुहान इज द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज 16 बॉल 31 रन्स। ऑल राइट गाइज, मैच जो है खत्म हो चुकी है, बहुत ही जल्दी मैच खत्म हो गया। स्कोर किए थे हमने 135 टोटल, और सामने वाली टीम ने सिर्फ 25 रन बनाए। टीम इतनी बड़ी नहीं थी, नई टीम थी, बच्चे खेल रहे थे थोड़े से, यानी कि न्यू कमर्स खेल रहे थे, तो 25 रन उन लोग ने बनाया खाली, और 25 में जो है ऑल आउट हो गए वो लोग। तो हमारे लतीफ़ जो है उन्होंने जो है 4 विकेट लिया, लतीफ़ बॉलर जो है हमारा, उसने 4 विकेट लिया, फराद ने 2 लिया, और अभी ने 2 विकेट लिया, और हमारे तौफीक ने जो है 3 विकेट लिया। तो यही चारों बॉलर ने जो है पूरी टीम को खाली कर दिया। तो बढ़िया मैच हो गया। अभी चलते हैं घर पे, नमाज का टाइम हो रहा है। फराद क्या कुछ बोलेगा? गर्लफ्रेंड देख रही होगी कभी कभी, बाय मिस्टेक ली बांग्लादेश में गर्लफ्रेंड देखी। गर्लफ्रेंड फेसबुक यूज नहीं करते, फेसबुक नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब भी नहीं करते। और आज हमारा जो है जर्सी का डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, चेयर्स का जो स्पॉन्सर किया है हमारे नौफर साहब। हमारे नौफर ने जो है हमारी टीम के मैनेजर, उन्होंने जो है नहीं लिया वो जर्सी का, आज उनके तरफ से जो है जर्सी टीम के लिए, चेयर्स की टीम के लिए जो उन्होंने किया हुआ है, तो हम लोग उसका शुरुआत करने वाले हैं। सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, अन्नपूर्णा में जो है हमने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है। ये एक अनएक्सपेक्टेड जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बिग क्लैप फॉर नौफर। नौफर ने जो है इनिशिएटिव लिया, और उसके तरफ से जो है स्पॉन्सरशिप किया उसने, और एक सबसे बेहतरीन जो है जर्सी, बिग एंड फॉर नौफर। और ये कंपनी का नाम बता दो मैं, टाइका, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो आईपीएल में जो है जर्सीज बनाती है, वही कंपनी से जो है आज हमारा जो है जर्सी बन के आया हुआ है। तो एक प्राउड फील कर रहे हैं आज हम लोग भी आईपीएल की जर्सी खरीदे। शुरुआत करते हैं हमारे आजम साहब से, 2 वर्ड जो कहना चाहेंगे हमारी टीम के लिए जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, ये जर्सी पहनकर जो हम लोग क्या फील और क्या जो मोटिवेशन देना चाहते हैं वो आज आजम भाई जो देंगे हमारे मोटिवेशन। क्या आजम भाई, आजम भाई 2 मोटिवेशन स्पीच दे दीजिए हमारे टीम के लिए। अच्छा, साहब नौफर का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। अच्छा, हमने जो है वो किया, और हम लोग प्राउड महसूस करते हैं, आज भी फील करते हैं कि हम लोग जो है चेस के मेंबर्स हैं। नौफर एक बूस्टिंग जो है हमारी टीम के लिए,
एक बढ़िया सा स्पीच दे दीजिए ताकि सबके जो पीछे से जो बूस्ट हो जाए सबके सब। चला बिग एंड फॉर नोवा। जीएस जो है, जीएस जहाँ से बनी है हम लोग सबसे बनी है, अकेले से नहीं बनी है, दोनों आदमी से नहीं बनी है, क्योंकि हम लोग में अभी एक्चुअली जो कमी है ना वो पूरी करना है। इंशाल्लाह अगली मैचेस जितने भी आ रहे हैं हम लोग को जीतना है। और एक जर्सी का बात है, बस एक गेट टुगेदर के लिए एक आए हैं हम लोग, बहुत टाइम हो गया था हम लोग कभी नहीं मिले, लेकिन अभी मिल के अच्छे से सब साथ में मिल के चलना है, जो भी हुआ पिछला आगा पिछला सब भूल जाना है और साथ में लेके चलना है इंशाल्लाह। तो सबका साथ चाहता हूँ इंशाल्लाह, सबका साथ होएगा तो इंशाल्लाह हम लोग आगे अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। हमारी टीम को जो हौसला देना चाहेंगे तो प्लीज निशाद भाई के लिए बिग हैंड फॉर निशाद भाई। चलो निशाद चाय रख दो साइड में। पहला बोरात में 14 आदमी देखता था, अभी 300 आदमी देखते हैं। जो कुछ टीम ने ऊपर ने कहा पैसा खर्चा हुआ है उसके हिसाब से कुछ मैचेस जीतो कुछ टूर्नामेंट जीतो ठीक है, इतना ही है, बाकी मुझे भाई बोलेगा। बिग एंड फॉर निशाद भाई, बहुत ही दिल की बात बोले उन्होंने, कुछ करके दिखाओ अंदर से। चलो मुजीब भाई बिग एंड फॉर मुजीब, चेन्नई के लिए कमबैक किया फिर टीम, और जितना भी प्लेयर्स है, नया प्लेयर है पुराना है, सब साथ में लेके चीयर्स को आगे बढ़ाने का। थैंक यू मुजीब। कैप्टन हमीद कुछ बोलना चाहेंगे टीम के बारे में? देखो हमारी टीम जो है पिछले कई साल से ये टीम परफॉर्म करते आ रही है, एक टाइम था 2010 से लेके 2017 तक के जो है चीयर्स को बीट करने के लिए सलाला के अंदर पे 10 बार सोचना पड़ता था, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे हमारे सारे टीम के प्लेयर अवेलेबल थे और वो एक हौसला यानी कि जोश था वो टाइम पे टीम के अंदर पे, वही प्लेयर आज भी खेल रहे हैं हमारे साथ में। कुछ प्लेयर जो है बाहर गए, कुछ प्लेयर शॉर्ट हुए, कुछ काम के थ्रू जो है ट्रांसफर होना पड़ा उनको, तो बहुत सारे जिसमें बड़े बड़े नाम है जैसे इरफान है, अपना अशोक था उसके अंदर पे, सचिन था उसमें, सचिन तो फिर भी कमबैक कर लिया वापस, ऐसे बहुत सारे जो नाम थे जो जुड़े हुए थे हमारे साथ में, लेकिन आज वो नहीं अवेलेबल है हमारे साथ, तो उससे टीम का थोड़ा सा जो है वीकनेस आया, लेकिन वो वीकनेस हमको पूरा कर सकते हैं कोई और नए प्लेयर के साथ। जैसे देख सकते हैं मंदीप ने हमारी टीम को ज्वाइन किया, वहाँ से वो फील हो गया वो चीज़ को। उसके अलावा जो है सचिन वापस आ गया, शरीफ है यहाँ पे नए नाम पे, फराद है यहाँ पे नया प्लेयर पे, तो ये वही जो ट्रैक है जो हम लोग ने जहाँ पे छोड़ा था उसको वापस जो है वो फील कर सकते हैं हम लोग। तो हमारी टीम में अभी भी वही जोश है, वही हर चीज़ है, खाली बस इतना एक छोटा सा बूस्ट की जरूरत है, एक कमबैक कर लेंगे इंशाल्लाह, हम लोग कंटिन्यू जो है उसको मारते जाएंगे। गाइस सबसे पहला जो है जर्सी जा रहा है हमारे सबसे सीनियर प्लेयर आजम भाई, तो आजम भाई के लिए जोरदार तालियां, उनका नंबर है 44। सीनियर प्लेयर जो हमारे बहुत ही पुराने प्लेयर है जो हर बार टीम के साथ रहे हैं मुजीब, नंबर 11। इस बंदे के बारे में जितना भी तारीफ की जाए कम है, ये हर बार हमारी टीम के साथ पिल्लर बन के खड़े रहते हैं, हमारे टीम के खजिंदा, लेकिन एक भी टीम के साथ नहीं, आजकल वो मच्छी टीम के साथ में फुल बिजी है मच्छी पकड़ने में, हमारे टीम के मैनेजर मिस्टर नोफर नंबर 12। चेयर्स के दो पिलर जर्सी लेके खड़े, और टीम के सबसे पुराने बॉलर, एक सबसे बेहतरीन स्विंग बॉलर नौशाद उर्फ सरकार, जिनके बॉलिंग की चर्चा पूरे सलाला में है, बहुत नाम किए इन्होंने अपने बॉलिंग से, बहुत विकेट लिए, एक बेहतरीन बैट्समैन, राइटी कह सकते हैं इस बंदे को, लेफ्टी कह सकते हैं इस बंदे को, जो चाहे कह सकते हैं, जब चाहे तब वो राइटी बन जाता है, जब चाहे वो लेफ्टी बन जाता है, बस फर्क ये है कि बॉल को लग नहीं रहा है वो अलग बात है। सीधे ड्यूटी से यहाँ पे आए हुए इस इवेंट को ज्वाइन किए है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन का, लेकिन फिटनेस मार्शल आज भी वैसी के वैसी है बंदे का। हमारे सीनियर बंदे अभी, एक टाइम था इनका जब उन्होंने पहली बार एंट्री किए थे हमारे टीम में, पहली बार में बॉलिंग में इतना इंप्रेस किए थे, लेकिन आते साथ उन्होंने सर्टिफिकेट लाए थे टीम का, ए स्टेट का सर्टिफिकेट था उसका, स्टेट सर्टिफिकेट लेके आए थे प्रूफ दिखाने के लिए कि मैं स्टेट में खेला हूँ, लेकिन बंदे ने जो एमर्जिंग प्लेयर लिया था उस टाइम में, तो बिग एंड फॉर अभी हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, हमारे टीम की जान, दो ही लेफ्टी बैट्समैन है हमारे टीम में, एक है अरुण और एक है सचिन, तो हमारे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अरुण, जिसका नाम कचकुल ने चेंज करके वरुण कर दिया है, नंबर 16। और हमारे टीम की जान ऑलराउंडर प्लेयर मनदीप, चाहे उसको बैटिंग करवा लो या उसको बॉलिंग करवा लो, दोनों साइड से खेलने वाला प्लेयर मनदीप, नंबर 23। फील्डिंग में थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सीधा सीधा कैच नहीं छोड़ेगा वो, ये कि
हमारे टीम में एक ओमानी प्लेयर है पूरे सलाला में, कोई टीम के अंदर अगर ओमानी प्लेयर है वो है चेयर्स में, जो कि बहुत ही पुराने प्लेयर जिनका जर्सी नंबर है 999। ये कैसा नंबर रखा भाई तूने, 999। बहुत ही अच्छे बॉलर है, बहुत ही पेस, इनकी पेस इतनी है कि बैट्समैन को बॉल दिखाई नहीं देता, लेकिन डालते लेकिन बॉलिंग करते नहीं है, बड़ी बात वो है। बैट्समैन देख के बॉलिंग करने वाले प्लेयर कशकू। और ये हमारे मनु जो कि अभी इंजर्ड है, लेकिन एक बेहतरीन बैट्समैन, एक बेहतरीन ऑलराउंडर मनु नंबर 10। ये पहले नंबर अभी का हुआ करता था, अब मनु ने ले लिए। तौफीक शार्प शूटर जिनके कमेंट्री के सारे घायल है, और बहुत ही अच्छे बॉलर, एक अच्छे ऑलराउंडर, बैटिंग भी अच्छे करते हैं और टीम के साथ जुड़े हैं कई साल से। मिस्टर तौफीक नंबर 5। शरीफ एक बेहतरीन बैट्समैन, जाने माने प्लेयर इन कर्नाटक, शरीफ 24। तो हमारे न्यू प्लेयर टीम ज्वाइन किए हैं कुछ ही दिन हुए हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर, बहुत ही अच्छे बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, जाना माना नाम बाबू। पर जितने लंबे कद के हैं उतनी ही खास बॉलिंग, उतनी ही पेस उनके बॉलिंग में, बहुत ही बेहतरीन बॉलर, हमारे टीम के एक जाने माने नाम फरहाद 99 नंबर। हमारा कैप्टन है ये कैप्टन हमीद, चीयर्स की जान, सबके दिल की धड़कन, नंबर जर्सी नंबर 7। क्या बात है, जर्सी नंबर 7 पर नहीं होगा। फुल बैटिंग चालू है, इडली वड़ा क्या अब्बा के साथ क्या हो क्या सीन किया तुमने, सब जो हमारा नहीं किया है, बालों के पास है, मैंने तेरे लिए एल निकाल के रखा था खास करके, नहीं ये बंदा आया लाके चेंज किया, नहीं कौन सा रखा था, नहीं लाल रखा था, लाल रखा था, लाल रखा था ना, वो बालों के पास है, सिद्धू के बालों के पास है। नसे को कॉल करा क्या हो गया, दूसरे का बहुत शौक देना इसको पैंट चुराने का, अब्बा का बदुआ लगा उसको, अब्बा ने क्या पैंट चुराया था ना, अब्बा का ट्राउजर ये चुराया था, अब्बा किधर, अब्बा किधर है, मैं तेरे पास रखा उधर, हाँ मेरा खुद का चोरी हो गया, बोल रहे क्या हुआ क्या, कमीने चोर हूँ, मेरी जर्सी देना, एक तो सबसे नंबर 1 जर्सी है, आज के दारे में कचकुल अच्छा भी लग रहा था, तुम भाई घर को आग लगती है घर के चिराग से, आपने सही बोला, तो आग लग गई लगती है, क्योंकि लार्ज पैंट लिखा है ना लोअर में, एक था तौफीक का, छोड़ो एक एक बालू ने, एक बालू ने पहना है लार्ज, और दूसरा बंदा कौन है, क्या कैसे लार्ज ही लार्ज, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बोलते हैं जान छोकरे की, असली जान इसको बोल रहे हैं, पैंट भी निकल। You not know about that life.